पालिका संगरिया, संगरिया के आमजन से अपील करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 21 दिवस का लॉकडाउन किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए नगर पालिका संग्रह क्षेत्र के समस्त वार्डों में हाइपोक्लोराइड दवा का दैनिक रूप से छिड़काव किया जा रहा है तथा समस्त वार्डों में मेरे द्वारा समय समय पर वार्डों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था प्रतिदिन सुचारू रूप से रहे। इस संबंध में हमारे सफाई सैनिक प्रतिदिन अपने अपने हल्के में सफाई की पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से आमजन सुरक्षित रहे। इस संदर्भ में मेरा नगरपालिका के समस्त पार्षदगणों से अनुरोध है कि वे अपने अपने वार्ड में यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए, विदेश, अन्य राज्य अथवा अन्य जिले से, या ऐसा व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संदिग्ध प्रतीत होता हो तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पुलिस व चिकित्सा विभाग को तुरंत उपलब्ध कराई जावे ताकि ऐसे व्यक्तियों की जांच स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा की जा सके व आमजन को इस वायरस के प्रकोप से बचाया जा सके। मैं एक बार नगरवासियों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए समस्त नागरिक अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजार मोहल्लों में ना घूमें, किसी भी व्यक्ति को खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, दूध इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका संग्रह द्वारा उक्त संचालकों को खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, दूध इत्यादि घर घर वितरण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर फोन नंबर उपलब्ध कराए गए। जिस किसी व्यक्ति को उक्त खाद्य सामग्री प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सएप एवं फोन नंबर पर संपर्क कर खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है। लॉकडाउन के कारण नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे परिवार जो अत्यधिक गरीब, SI, श्रमिक, रिक्शा चालक हो, जो अपने परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, उनके लिए नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में भोजन राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई परिवार को भोजन या सामग्री की आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए COVID-19 हेल्पर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को भोजन पैकेट सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। मैं एक बार पुनः संगरिया के नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से बाजार मोहल्लों गलियों में न घूमे, अपने अपने घरों में ही रहे ताकि इस कोरोना वायरस महामारी को हराया जा सके। स्थानीय प्रशासन पुलिस का पूर्ण सहयोग करे, ऐसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। ये थे संगरिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी जी, जो कोरोना वायरस के मद्देनजर जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें स्थानीय प्रशासन किस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रहा है और किस तरीके से लोगों का सहयोग का काम कर रहा है, ये उन्होंने बताया। संचालकों को खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, दूध इत्यादि घर घर वितरण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर फोन नंबर उपलब्ध कराए गए। जिस किसी व्यक्ति को उक्त खाद्य सामग्री प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सएप एवं फोन नंबर पर संपर्क कर खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है। लॉकडाउन के कारण नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे परिवार जो अत्यधिक गरीब, SI, श्रमिक, रिक्शा चालक हो, जो अपने परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, उनके लिए नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में भोजन राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई परिवार को भोजन या सामग्री की आवश्यकता हो तो स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए COVID-19 हेल्पर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को भोजन पैकेट सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। मैं एक बार पुनः संगरिया के नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से बाजार मोहल्लों गलियों में न घूमें, अपने अपने घरों में ही रहें ताकि इस कोरोना वायरस महामारी को हराया जा सके। स्थानीय प्रशासन पुलिस का पूर्ण सहयोग करे, ऐसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। ये थे संगरिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी जी, जो कोरोना वायरस के मद्देनजर जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें स्थानीय प्रशासन किस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रहा है और किस तरीके से लोगों का सहयोग का काम कर रहा है, ये उन्होंने बताया।